पाकिस्तान क्रिकेट में मचा बड़ा बवाल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज रजा को उनके पद से कर दिया गया बर्खास्त, क्योंकि वो भारत को दिया करते थे धमकी। क्या है खबर की पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज रजा को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि वो अपने बयान के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते थे। उन्होंने भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए धमकी दी और कहा पाकिस्तान टीम इसमें शामिल नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप को खेलने से इनकार कर दिया था। भारत का सिर्फ इतना कहना था कि टूर्नामेंट पाकिस्तान में ना होकर किसी दूसरी जगह होना चाहिए, और इसके बाद से ही वो अलग अलग बयान दिया करते थे। जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया कि रमीज राजा को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया और उनकी जगह नजम सेठी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष बना दिया गया। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए पद पर मंजूरी दे दी है।